सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, की हाल चाल सारे नु सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड सॉरी यार, ये धूप की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही। अभी भाई टाइम हो चुका है सुबह के 9। अभी चेन भी क्लीन करनी है, बाइक पर सामान भी लोड करना है और ये व्लॉग भी स्टार्ट करना था। तो भैया धर्मेंद्र भैया और नितिन भैया सुबह 7 बजे निकल गए थे खारदुंगला घूमने के लिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मन था कि भाई उनको खारदुंगला घूमना है। तो वो लोग गए हैं खारदुंगला घूमने। मैं, विकास भैया एंड धीरज भैया जस्ट अभी उठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कॉफ़ी मंगवाई थी सुबह सुबह, आंटी ने बहुत अच्छी कॉफ़ी बना के दी है, तो वही एंजॉय करना है। मैंने तो पी नहीं है, बट भैया लोगों ने पी है, तो मैंने कहा यार बताओ कैसी बनी है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बनी है। तो चलो जी, अब कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ और ज़रा सी एक बार मैं आपकी बात करना चाहूँगा धीरज भैया से। तो धीरज भैया जो है वो है अपने KTM Duke 390 एडवेंचर के राइडर, तो वो कुछ आपसे कहना चाहेंगे। जब तक मैं कर लेता हूँ कॉफ़ी एंजॉय, आप जब तक करो धीरज भैया से बातें। हेलो एवरीवन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जंस्कार आ रहे हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ आप अकेले ना आए। आपके कंधे पे कोई भी सोलो के मेडल नहीं लगने वाले। प्लीज़ अकेले ना आए, सोलो राइड ना करें। एटलीस्ट 2 लोग हों जो राइड कर रहे हों एक साथ। अकेले आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमारे साथ हुई, बट हम लोग 5 लोग थे, हम लोगों ने मैनेज कर लिया। अगर आप अकेले आ रहे हैं, अगर कुछ भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई, ट्रस्ट में यहाँ पे कोई नहीं है रेस्क्यू करने के लिए। ना उन रूट्स पे आर्मी जाती है, ना लोकल जाते हैं। 4 बजे के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लस दूसरी आपको जो बेसिक चीज़ आपको फॉलो करनी है वो पानी पीना है, प्लस अपने साथ लिप बाम ज़रूर लेके आना है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी ड्राइनेस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो प्लीज़ सोलो राइड ना करें एंड कैरी द बेसिक एसेंशियल्स। थैंक्स। तो चलो जी, अब बात करते हैं अपने विकास भैया से। विकास भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे संस्कार के बारे में? संस्कार के बारे में डेफिनेटली, जैसे मैंने अपने व्लॉग में भी बोला है कि हीरोपंती करने की कोशिश मत करना और फैमिली के साथ उस रूट से नहीं आओ जिस रूट से हम आए थे। अकेले आओ तो कुछ लोग मिल के आओ अलग अलग गाड़ियों में, क्योंकि जैसे धीरज ने बोला किसी को कोई मेडल नहीं मिलने वाला। लाइफ है, एंजॉय करने आओ, एंजॉय करो, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो एंजॉय करके घर जाने का है। जहाँ घूम रहे हो वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। सो ऑलवेज ड्राइव एंड ट्रैवल केयरफुली। सो ये थे भाई आपके लिए कुछ संस्कार के रिव्यू। तो प्लीज़ आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कार बहुत बड़ी जन्नत है, नो डाउट, बट आराम से करो, 2-4 लोगों को साथ में लेके करना, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलने वाला। खाना पीना, बाइक की टूल, किसी भी चीज़ से आ रहे तो उसको प्लीज़ पूरा रख के लेके आना। कभी भी भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है। एंड बस यही कहना चाहूँगा, सेफ रहो, मस्त रहो। बहुत टफ टेरेन है, सीरियसली बहुत टफ टेरेन है, क्योंकि कल मैं भी गिरा हूँ, धीरज भैया भी गिरे हैं, नितिन भैया का स्टैंड टूटा था, विकास भैया भी गिरे थे, धर्मेंद्र भैया की तो पूरी बाइक ही गिर गई अच्छे से, उनको तो लोड करके लानी पड़ी थी। और भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना कृतिका गेस्ट हाउस, जो काफ़ी बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैं इस व्लॉग में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहाँ के मोबाइल नंबर, लोकेशन वगैरह मैं सब कुछ डाल दूँगा। तो चलो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं कि कृतिका गेस्ट हाउस स्टार्टिंग कैसी है और बाइक वगैरह कहाँ पार्क कर सकते हो, लॉन बहुत अच्छा है, कहाँ हम बैठे हैं। तो चलो जी, अब आपको दिखाता हूँ कृतिका गेस्ट हाउस। सो ये है लॉन भाई अपना कृतिका गेस्ट हाउस का। यहाँ है बाहर सेटिंग, ये बैठे हैं अपने धीरज भैया, ये अपने धीरज भैया, वो विकास भैया, आई एम रियली सॉरी भाई। और ये अपना पूरा लॉन है, ये रूम्स वगैरह हैं। चलो रूम्स भी दिखाते हैं आपको। और वहाँ अपनी स्टार्ट होती है गेट की एंट्री कृतिका गेस्ट हाउस की। ये अपनी सारी पार्किंग है, यहाँ अपने ने बाइक्स लगाई हुई है, ये अपनी पार्किंग है। और 2 बाइक आपको कम दिख रही होंगी जो बनी हुई है खारदुंगला। अब लेके चलता हूँ मैं अंदर आपको रूम में। यहाँ एंट्री होती है अपनी कृतिका गेस्ट हाउस की। बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आप घर में हो या कहीं बाहर हो, सीरियसली बता रहा हूँ। ये रूम था भाई डबल रूम, आई मीन ट्रिपल शेयरिंग में। यहाँ थे नितिन भैया, विकास भैया और अपने धीरज भैया। ये अपना बाथरूम है, ये अपना रूम था जो बिखरा हुआ है, राइडिंग गियर्स पड़े हुए हैं, टैंक बैग पड़ा हुआ है, छोटे मोटे और आइटम पड़े हुए हैं जो भी अंदर रख रहे हैं। और ये था भाई बाथरूम, छोटा सा बढ़िया रहा। यहाँ चल रहा है काम भाई, ये एक नया रूम बन रहा है और साथ में किचन भी बन रहा है, क्योंकि शायद आंटी का पर्सनल रूम बन रहा है, बट काफ़ी अच्छी तरीके से बन रहा है। एंड ये है अपनी क्यूट सी आंटी। सो फाइनली इट्स टाइम टू लीव कृतिका गेस्ट हाउस। और ये है हमारे स्वीट से अंकल और वो है हमारी स्वीट सी आंटी। सच में गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है। विकास भी रेडी, मैं रेडी,
भैया भी रेडी हैं, अब निकलते हैं। और भाई कल हुआ था मेरा एक्सीडेंट, अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या नुकसान हुआ है। ये देखो, ये मेरा बागबस्टर जा चुका है पूरा कम्प्लीटली, लाइट छूट चुकी है, ये हो गया, हैंडल टेढ़ा हो गया, और यहाँ भी थोड़ा नुकसान हो गया मेरी ऑक्सलाइट की, जो ये बैंड पॉइंट है ये टूट चुका है, जिससे ऑक्सलाइट बार बार ऊपर नीचे जा रही है। अब देखो जेरिकेन का क्या हुआ है, ये यहाँ से फट चुकी है, पूरे स्क्रैचेस आ चुके हैं, ये और ये यहाँ नीचे से भी फट चुकी है, मतलब ये जेरिकेन खत्म। ओके आंटी, बाय बाय। बाय बाय अंकल। सच में यार इनका बहुत अच्छा नेचर था, टच वुड बहुत अच्छा नेचर है, सच में मजा आ जाएगा अगर आप यहाँ रह लोगे ना, फन आ जाएगा। अब निकला जाए, यहाँ से करेंगे अब सीधा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पॉइंट पे ही मिल जाएंगे अपने को, धर्मेंद्र भैया एंड नितिन भैया। सो ये भाई फोर्ट रोड, और ये है अपना कृतिका गेस्ट हाउस, बहुत अच्छी स्टे है, बहुत अच्छा नेचर है अंकल का। बाय बाय अंकल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ईयर। और वहाँ एक सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ से अपने को कहराना है टैंक फुल और एक जेरिकन फुल, एक जेरिकन तो जा चुकी है बिल्कुल डेड। तो चलो जी सामने चलते हैं पेट्रोल पंप पे, और यहाँ भाई बाइकर्स की भीड़ भीड़ हो रखी है, और ये भाई यार इनकी हिम्मत है जो आरसी से इधर आ जाते हैं। सो फाइनली नाउ वी आर रीचिंग एट पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ आ चुका है भाई पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैं आपको ज़रा एक छोटा सा लुक दिखा देता हूँ। एंड हियर इज द भाई पत्थर साहिब गुरुद्वारा, बाबा जी मेहर करना, सबको चढ़दी कला रखना, जय हो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो ये है भाई एक फेमस अपना गुरुद्वारा पत्थर साहिब गुरुद्वारा, एंड अब थोड़ी देर बाद ही आएगा अपना मैग्नेटिक हिल, एंड भाई ये आ चुका है अपना मैग्नेटिक हिल, और इसके बारे में शायद मैं जानता हूँ हर किसी ने सुना ही होगा मैग्नेटिक हिल के बारे में, एंड सच में ये बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। ये है भाई अपना मैग्नेटिक हिल, और यहाँ मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टिकर लगाया था, शायद अब तो बचा भी नहीं होगा बेचारा, कहीं ना कहीं उखड़ गया होगा। सो चलो जी अब निकला जाए यहाँ से, कुछ कराने दें फोटोग्राफ्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड्स सीधा श्रीनगर, एंड आई होप कि शाम तक पहुँच जाए टाइम से। ये रोड है ना सच में बहुत सुहावना रोड है यार, मतलब डिफरेंट इसकी व्यूज़, इस रोड पे जितने व्यूज़ आते हैं ना शायद मैं इस दुनिया में कहीं भी ऐसे व्यूज़ नहीं देखे, सच बता रहा हूँ यार। इस रोड पे ना सच में भाई व्यू है, व्यू एक नंबर नंबर के व्यू। एनीवेज भाई लोगों, अब हो चुकी है बरसात स्टार्ट, भगवान जी मौसम मत ख़राब करो, मत ख़राब करो। मेरे स्टैंग बैग का भी कवर खो चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है और दिक्कत होने वाली है, देखते हैं अगर अभी बारिश रुकती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर भाई अपने को रेन कवर पहनने पड़ेंगे। एंड देन इसको, इसके अंदर मेरे एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो मुझे पीछे टैंक बैग में शिफ्ट करना पड़ेगा। हे भगवान जी मत करो, बाकी देखते हैं भाई जो होगा करना पड़ेगा, भगवान जी सुन लो मत करो। लुक एट द रोड गाइस, क्या ही रोड है भाई, ऑसम यार। हवा इतनी तेज है कि बाइक को है ना बहुत पावर लेनी पड़ रही है, चढ़ाई छोटी छोटी चढ़ाई चढ़ने पर भी बहुत पावर ले रही है, बिकॉज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। और सच बताऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रोड ट्रिप पे, सच में भाई मज़ा आ गया एकदम।